Assalamualaikum and good morning everyone. Ek naya din, ek nayi umeed, naye josh, naye iraadon ke saath Kiran aapke saamne. Umeed hai ki aap sab log khairiyat se honge, khush honge, apna aur apne ghar walon ki sehat ka achhi tarah se khayal rakh rahe honge aur acha acha soch rahe honge. Lekin ye acha aur positive sochein kaise? Hame ek low vibration thought to foran se aa jati hai, normally or naturally aa jati hai bagair kisi mehnat ke. लेकिन अच्छा सोचने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बैठना पड़ता है, गौर करना पड़ता है, फिर ध्यान हट जाता है. तो इसको हम नॉर्मल और नेचुरल कैसे बनाएं? उसके लिए अगर आप वाकई में अपनी थॉट को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी सोर्स ऑफ थॉट को बदलना बहुत ज़रूरी है. हमें देखना पड़ेगा कि ये हमारी सोचों की जो सोर्स है, ये सोच आ कहाँ से रही है, यानी कि इन्फॉर्मेशन. दिन भर में हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, वो किस क्वालिटी का है? अगर तो वो लो क्वालिटी का है, नेगेटिव है, तो उसी तरह की आपकी सोच बनेगी. आप अगर देखा जाए तो जब हमारी बॉडी हेल्थ सही नहीं होती है या कोई ख़राबी होती है, के पेट ख़राब हो गया, तो सबसे पहली एहतियात और ध्यान जो है हम अपने खाने पीने का रखते हैं कि किस तरह का खाना पीना हम ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स किस तरह के अंदर जा रहे हैं. बिल्कुल इसी तरह से हमने अगर अपनी सोच पर ध्यान रखना है तो हमें ध्यान रखना है कि वो सोर्स जो है, जहाँ से सोच बन रही है, वो इन्फॉर्मेशन किस क्वालिटी के. अगर आप नोट करें तो 25-30 साल पहले जब हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था, सेल फोन्स भी नहीं थे, मीडिया की शक्ल में सिर्फ ले देकर एक PTV होता था और खबरें जो थीं वो किस क्वालिटी की होती थी, ड्रामे किस क्वालिटी के होते थे, सिंपल और सादा, उसी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही थी. तो सोच कैसी थी? सिंपल और सादा. तो जब सोच सिंपल और सादा थी तो वाइब्रेशन कैसी जा रही थी? सिंपल और सादा. हालात कैसे थे? बहुत अच्छे, सिंपल और सादा थे. कभी होता क्राइम तब भी था, बहुत कुछ होता था, लेकिन अब तो हर क्लिक पर आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि थोड़ी लो वाइब्रेशन की है. खबरें हम सारा दिन सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, और किस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन जा रही है? नेगेटिव ही जा रही है. तो सोच कैसी बनेगी? नेगेटिव बन जाएगी. फिर वाइब्रेशन कैसी जाएगी? नेगेटिव ही जाएगी. इसी तरह से वो नेगेटिविटी फैलती चली जा रही है. तो हमें ज़रा ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. अगर आपने वाकई अपनी सोच को बदलना है, हालात को बदलना है, मामलात को बदलना है, तो आज का मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अच्छी सोच आपको बहुत ही नॉर्मली और नेचुरली आ जाती है या थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है? और ज़रा गौर कीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन पर आपका ध्यान है या नहीं है. किस तरह की सोच, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर ले रहे हैं? अच्छी पॉजिटिव सोच आप, इन्फॉर्मेशन आप दिन भर में ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे. आ जाते हैं हमारे आज की कुकिंग पे. हमारी आज की जो गेस्ट हैं, आ तो वो दूसरी मर्तबा रही हैं, 2 साल पहले ही आई थी लाइव वीकेंड्स में, और खाना पकाने का इनका शायद पैशन है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े, पढ़ाने का बहुत शौक, पढ़ने का बहुत शौक, MA/MBA किया है, पता नहीं आगे क्या क्या प्लान्स हैं इनके. आइए ज़रा डिटेल में इनसे जानते हैं और फिर ये कुकिंग लाइवली वीकेंड्स में क्या कर रही हैं. बड़ी पढ़ी लिखी खातून है. आइए वेलकम करते हैं साइमा को. अस्सलाम वालेकुम साइमा, क्या हाल है जी? आपके? बिल्कुल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आइए जी, थैंक यू, तशरीफ रखिए. हाँ साइमा, खाना बनाने का पैशन है जी, कर क्या क्या रही हैं आप? MA/MBA किया जी, 3 साल का, 2.5 साल का, और क्या क्या किया आपने? मास्टर्स, एक मास्टर्स सोशियोलॉजी में मैंने KU से पहले किया था. सही है. और इसके बाद अभी रिसेंटली जैसे ये वाइंड अप हुआ है MA, तो मैंने लिटरेचर में एक और मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रही जी. और आगे के क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह ब्यूरो ऑफ करिकुलम ज्वाइन करना है. देखिए कितनी पढ़ी लिखी खातून है. इतना कुछ करना है, मैंने कहा लाइवली वीकेंड्स में क्या कर रहे हैं? बस ये एक पैशन है आपके अंदर, जो एक पैशन होता है अल्लाह ताला ने हर एक को एक क्वालिटी से नवाजा होता है, तो आई थिंक ये वही है. ये वही है जी. तो खाने बनाने में भी कुछ करेंगी आगे, कुछ कुकिंग से रिलेटेड या बस? इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें भी कुछ करने का इरादा है जी. कलनरी आर्ट में कुछ करने का इरादा है और ये एडवाइस मुझे दी थी शेफ ताहिर ने. अच्छा जी जी बिल्कुल. तो बहुत कुछ करना है, अब आप मसरूफ रखती हैं अपने आप. बिल्कुल, क्योंकि मुझे पॉजिटिव रहना है. पॉजिटिव रहना, आपकी बातें इतनी सुनते हैं माशाल्लाह, लाइवली वीकेंड में देखती हूँ और वो बहुत सारी पॉजिटिव थॉट्स अंदर जा रही होती हैं. सही है, वो अच्छा ही आप सोचेंगे, इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव ही लेंगे ना,
तो थोड़ी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ जी, आज की रेसिपीज तो ज़रा बताओ ना सारी। ओके, आज की रेसिपी, फर्स्ट रेसिपी जो हमारी है वो है पंच साग। ठीक है जी जी, उसमें ये 5 किस्म के डिफरेंट साग होते हैं जो स्पेशली केपी के से रिलेट करते हैं जी। ये यहाँ कराची में अवेलेबल है, ये 5 किस्म बिल्कुल अवेलेबल होता है जी। और इसे हम चिकन के साथ ऐड करके बना रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद एक स्पेशल और डिश है, अफगानी पेपर रोश। अच्छा जी, ये भी बहुत मज़े की डिश होती है। अच्छा। और इसके बाद थर्ड पे हम एक फ्राइड फिल्ड फिश बनाएंगे। अच्छा। जो मेरी मदर बनाती थी। अच्छा। जी जी, अम्मी की, वो शी इज़ नॉट अलाइव। अच्छा। बट ये है कि उनकी यादें। हाँ। और उनकी और उनके खाने और ये और ये इतनी सारी जो मैं आई मस्ट से कि ये वाले खाने जो मैंने सीखे हैं वो अपनी मदर इन लॉ से। अच्छा। मेरी सास इनकी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। अच्छा। मुझे सब कुछ उन्होंने सिखाया सारा। जी वेरी गुड। और आप क्या बता रही थी, एवरी संडे आप लोग ब्रंच करते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, मलाई का क्या मलाई का जी, स्पेशल मलाई, उसका मकई का पराठा। हाँ, होता है। हाँ। और उसके साथ मलाई होती है दूध। अच्छा। की जी जी, एवरी संडे। एवरी संडे और सब खाते हैं फैमिली? बिल्कुल खाते हैं, पूरी फैमिली खाती है माशाल्लाह। हाँ। बहुत हेल्दी, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और फिर लंच तो स्किप ही हो जाता है, इतना हैवी ब्रेकफास्ट। बिरयानी बिरयानी नहीं बना? बिरयानी डिनर में होती है। अच्छा, डिनर जी, मतलब संडे के रोज होती है। और सैटरडे जो होता है हमारा वो कॉन्टिनेंटल होता है। अच्छा जी, ये ऐसा आपने मतलब मेन्यू कुछ बनाया? बिल्कुल, एवरी सैटरडे हम कॉन्टिनेंटल खाते हैं। अच्छा, और फिक्स है? जी जी जी। और बाकी वीकडेज पे क्या होता है? वीकडेज में मिक्स मिक्स होता जी। अच्छा। उसमें वेजिटेबल्स भी होती है। हाँ। मीट भी होता है, दाल चावल सब कुछ, एवरीथिंग। वेरी गुड, एक्साइटेड है आज के शो के लिए? बिल्कुल। अच्छा, जरा साइमा से भी हम बात करेंगे। फिलहाल तो अगर हम टाइम है तो किचन की तरफ बढ़ें या ब्रेक की तरफ बढ़ें? आज हम किचन की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे पास राइट सॉल्ट भी है, सुखराल भी है, और हमारे पास किफ़ाया कुकिंग ऑयल भी है। और राइट सॉल्ट और ना उसके हवाले से, सुखराल के हवाले से हम आपको सारी डिटेल्स भी देंगे। मीठा भी आप बना रही हैं, कोई ड्रिंक बना रही हैं? जी, ये प्लम स्लश है, ये बहुत हेल्दी लाइक समर्स के हवाले से। हाँ। और आगे रमज़ान आने वाले तो ये बहुत अच्छा एक ड्रिंक होता है। वेरी गुड। आप ड्रिंक्स बनाएं, कोई भी डिज़र्ट्स बनाएं, उसमें आप शुगर का सब्स्टिट्यूट सुखराल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी है। हाँ जी बिल्कुल। और जो थोड़े से डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको शुगर है वो भी कर सकते हैं, नो साइड इफ़ेक्ट्स, तो इट्स रियली गुड। और नमक में हम राइट सॉल्ट इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि आपको मेंटेन करता है आपके ब्लड प्रेशर को, वेट को। अच्छा जी, हम शुरुआत किससे कर रहे हैं साहिबा? हम पंच साग से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक जी। मुझे एक वॉक चाहिए होगी, ये ले लें? जी जी शो, है ना, थोड़ा सा। थैंक यू भैया, खुल्ला, थैंक यू। चूल्हा चला दूं? जी जी जी। अच्छा, ये आप साग को बॉईल करके लेकर आ गए? जी जी जी, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी गाइडलाइन, बिल्कुल बिल्कुल बताइए। ये 5 साग हैं इसमें। ठीक है जी, ये कैमरा आपको दिखा रहा होगा। हाँ। इसमें हमने सबसे पहले जो है, ये एक स्पेशल साग होता है केपीके का, तारा मीरा। अच्छा जी जी, उसका बहुत बहुत सॉफ्ट सा, माइल्ड सा फ्लेवर आता है। अच्छा। नमकीन होता है। अच्छा। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्दी है। सही है। हमने वो ऐड किया, एक गट्ठी आप ले लें। और सरसों। अच्छा। पालक। हाँ। मेथी। हाँ। और चौलाई। अच्छा, ये तो सब जी, जी, है। एक तारा मीरा आपने कहा है, थोड़ा सा जी। और इसको मैंने बहुत बॉईल नहीं किया, ब्लांच किया। अच्छा जी, जस्ट 15 मिनट्स को करते हैं। जी जी जी, बॉइलिंग वाटर में डाला और 15 मिनट्स के लिए या 10 मिनट्स के लिए आप कर लें, और बस फिर निकाल दिया। ठीक है। आपने इसको अलग बाद में मैश किया या नहीं? ये वैसे ही। जी जी जी, ठीक है, ये ऑलरेडी वैसे ही हो। ठीक है, बिल्कुल बारीक वो चॉप करके। जी जी बिल्कुल। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑयल ऐड करूंगी। और इसको हम मकई की रोटी के साथ खाते हैं? जी, मकई के पराठे के साथ। बेटी बनाएगी आज ही? नहीं बनाएगी आज, क्योंकि डिशेस ज़्यादा थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट, फिर कभी आना हुआ ज़रूर बनाएंगे। सही है। जी जी जी, चलिए जी। किफ़ाया सबके दिल को भाया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरी लाइट ऑयल, 3 कुदरती तेलों से बनाया गया, कनोला, सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल का ये ब्लेंड है किफ़ाया। अच्छा, इसको तो आप घर में, वैसे मेरे ख्याल से घी वगैरह में, देसी घी में भी बनाते होंगे? नहीं, आपको बनाते नॉर्मली हम लोग ऑयली। जी जी, अच्छा, ऑयल में मैं कॉर्न ऑयल यूज़ करती हूँ घर में। जी, तो उसमें ही बनाते हैं, एंड में बटर ऐड करते हैं। अच्छा ठीक है जी। मुझे स्पून चाहिए? जी जी जी, एक वुडन स्पून मैंने रखा। वुडन भी है? यस, उससे वो वाला जी। थैंक यू सो मच।
साग को हमेशा वुडन स्पून से बनाए तो उसका एक अलग से फ्लेवर आता अच्छा? है जी जी ऐसा है. अच्छा सबसे पहले ये मेरे पास, अगर आपके पास एक बड़ी प्याज है तो आप फुल ले सकते हैं, अदरवाइज ये दो छोटी प्याज थी जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है. जी इसमें ऐड करूँगा. सही है. हल्का सा सोते करेंगे जी करेंगे. नहीं लाइट. जब भी हम साग या पालक या वेजिटेबल बनाते हैं तो कभी भी इसको ब्राउन के टोन पे नहीं लेकर जाते, अदरवाइज जी जी बिल्कुल जो वेजिटेबल की अपनी एक स्वीटनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है. जी बिल्कुल सही है. तो मसाला चैनल देखती रहती है सर? बहुत शौक से सारा दिन. अच्छा जब जब टाइम होता है लाइक साथ में स्टडीज चल रही होती हैं, पढ़ रही होती हूँ और निगाह जो होती है वो टीवी पे ही होती है. अच्छा मल्टीटास्किंग आपका ब्रेन ले लेता है कि टीवी भी चल रहा है, बुक भी है. एग्जैक्टली. इधर से उधर से फोन कॉल नो कॉल्स. मैं सेल फोन बहुत कम यूज़ करती हूँ और बच्चों को भी अलाउड नहीं है. अच्छा. क्योंकि उसकी वाइब्रेशन और वाइब्स ऐसी होती हैं जो यू नो कि हमारे ब्रेन को बिल्कुल डैमेज कर देती हैं. सही है. और जो हमारी एक क्रिएटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है. ये बिल्कुल सही किया आपने जी. तो मुश्किल होगा थोड़ा सा ये? नहीं नहीं नो 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 नो. शुरू से ही बच्चों को ये कहा हुआ है कि सेल फोन ठीक है आपको बात करनी है पापा से या फैमिली के मेम्बर से आप कीजिए, अदरवाइज जो गैजेट्स होते हैं उनसे हम दूर रखते हैं बच्चों को. वो आजकल तो बेबी सिटर बन गया है ना ये. जी 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 जी. बच्चों को पकड़ा देते हैं तो बच्चा बैठा रहता है वो अपना कार्टून देखता है. इनकी ग्रैनी ने इन्हें गिफ्ट किया था. अच्छा जी जी. टैबलेट. अच्छा बट वो मैंने हाइड कर दिया. वेरी गुड. बहुत अच्छा किया. इनसे जरा से और टिप्स लेंगे. अच्छा फिलहाल तो हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े. ब्रेक से वापस आएंगे, हल्का सा हम इसको सॉल्व करते हैं, बाकी सारी चीजें हम सामने करेंगे. बेशक आपने हल्का करना होगा. जी जी कर लेंगे. ये थोड़ा सा लाइट से गोल्डन. हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए लाइवली वीकेंड्स. वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स. आज साइमा हमारे साथ हैं और साइमा ने शुरुआत की है पंज साग हम बना रहे जी. ये नॉर्मली आप बगैर गोश्त के मीट के मुर्गी के बनाते हैं? एग्जैक्टली. एज सब्जी. एज सब्जी. और उसमें वो ऑलरेडी इसका इतना मज़े का फ्लेवर होता है नमकीन के वो बहुत सब लाइक करते हैं. ठीक है. पाँच किस्म के साग हैं जिसमें आपका है चौलाई है जी, पालक है, पालक है, मेथी है और तारामीरा है. तारामीरा जी. और पालक है और एक नहीं एक और है साग. साग यही है. सरसों. सरसों जी जी. अच्छा किरण ये देखें, हमने सबसे पहले हमने अनियन डाला था ऑयल में, उसको गोल्डन किया, उसमें चिकन डाला उसको बहुत अच्छे से गोल्डन किया. अब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये ऐड कर रही हूँ मैं. अच्छा इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने बहुत फ्रेश गार्लिक लेना है. अच्छा जी. और वो जो पहले पिसा हुआ होता है या ग्राइंडेड वो नहीं, नहीं है जी, आप इससे पिसवा लें फ्रेशली. सही है. हाँ, से फ्रेश का जी जी जी. अलग आता है. और ये सिल्पे या हवन दस्ता जिसमें भी आपको सूट करे जी. अब इसमें मैं ये टू टोमेटोज थे मेरे पास, इसे हमने स्लाइस कर लिया, ये ऐड करूँगी जी. और इसके साथ ही मैं स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी. अच्छा. जी जी. कम ही स्पाइसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं. जी जी. इसमें बहुत लाइट से स्पाइसेस जाते हैं, फ्लेवर बहुत लाइट सा होता है. ये रेड चिलीज 1 टीस्पून, टर्मरिक जी 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 जी. और यहाँ है मेरे पास क्या है, कोरिएंडर और धनिया. जी जी. धनिया और जीरा जी, वो जीरा और धनिया चाहिए सर जी. अच्छा. और हम इसमें राइट सॉल्ट के बजाय राइट सॉल्ट का इस्तेमाल जी जी कर रहे हैं. ये मैं टीस्पून ले लो सोडियम वाला राइट सॉल्ट है. और जितना हम नमक इस्तेमाल करते हैं जी उसी क्वांटिटी में इसमें कोई बिल्कुल अबाउट टीस्पून. ठीक है. ये ले किरण, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होगा. थोड़ा पानी. अच्छा ओके. इसमें मैं साथ ही एक छींटा पानी का डालूंगी इसलिए कि ये मसाला जो है वो जले. टमाटर भी जी 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 सॉफ्ट हो जाएंगे. हाँ जी सलमा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी सर, मेरी आपसे पिछले हफ्ते भी बात हुई थी ना. हैदराबाद से बात कर रही. अच्छा अच्छा. कैसी हैं, कैसा गुजरा आपका ये हफ्ता?
बहुत जबरदस्त. और आज आपने जो पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बात की है ना, मैंने कहा कि उस पर अपना फीडबैक दूं. मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा टॉपिक चूज किया है आज. हाँ, कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जाती है आपके अंदर? बिल्कुल किरण, ऐसे होता है जैसे आपने कहा ना कि हम जो चीजें सुनते हैं वही हमारी थॉट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. बिल्कुल. तो जैसे अगर आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग किताबें कम पढ़ते हैं, तो होता ही है कि हम जब अच्छी चीजें पढ़ रहे होते हैं, अच्छी थॉट्स मिलती हैं, और किताबें जो होती हैं वो बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, जो आपको ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बुक्स में मिलती है. उसके लिए शौक होना चाहिए ना पढ़ने का. हाँ, बिल्कुल. और किताबों में सबसे अच्छी किताब हमें पता है सुप्रीम बुक जो है वो कुरान पाक है. बेशक हम कुरान पाक पढ़ें, वहाँ से भी हमें अच्छी जो है वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अल्लाह ताला की तरह से दी हुई है, और वो अच्छी सोच में ही कन्वर्ट होती है. बिल्कुल. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छी चीजें देखें, और जब हम अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, तो खुद ब खुद हमारी थॉट्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे. बिल्कुल सही है. लेकिन आजकल तो जो खबरें और जो इर्द गिर्द की खबरें और जो बातचीत है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब लो है या हाई है? बिल्कुल नेगेटिविटी होती है. अभी जैसे एक कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है, ये हो रहा है, तो मैंने एक एक इंफॉर्मेशन देखी जो WHO ने पाकिस्तान के बारे में दी कि जो यहाँ पे प्रोटोकॉल है वो बहुत बेहतर है दूसरे ममालिक से. ये तो है, तो मुझे खुशी हुई कि एटलीस्ट पाकिस्तान में कुछ तो अच्छा है ना. लोग कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, तो WHO कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान ने जो भी मेजर्स लिए हैं, जो प्रोटोकॉल इस तरह मुकाबले लेना चाहिए वो अच्छे तरीके से किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई. बिल्कुल. और इसको मेंटेन करना है, हमने मेंटेन करना है. बिल्कुल. एहतियात हमने करनी है. ठीक है जी, थैंक यू सलमा, अल्लाह हाफिज. अच्छा जी, आपने धनिया पाउडर भी डाला? जी, और जीरा? जी, और धनिया पाउडर हमने फ्रेश ग्राइंडेड किया है. ठीक जी, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था मैंने. जीरा तो साबित था ना? जी जी, जीरा साबित. ठीक है. तो हल्दी, नमक, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, बेसिक जो हमारे मसाले होते हैं, जी, सिंपल, वेरी सिंपल. सही. अच्छा, जो पांच साग को आपने ब्लांच करके रखा, वो ये मेरे पास है. जी, अब इसमें थोड़ी सी मैं टमाटर को पहले स्पाइसेस के साथ, जी, थोड़ा सा, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए. अच्छा, आपने इसका पानी अलग किया? जी जी, वो मैं रीज़न बताती हूँ. जी, जब भी हम इसमें ऐड करेंगे साग को, तो पहले प्योर साग लेके उसकी भुनाई करेंगे और फिर उसी का पानी ऐड कर देंगे. अच्छा, जी जी जी. पानी शुरू में नहीं? नहीं, अगर वो होगा तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा, फिर आपकी प्रॉपर भुनाई नहीं होगी. अच्छा, जी. और ये टिप भी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दी थी. यूजफुल टिप है. वो बहुत अच्छी कुक है माशाल्लाह, और वो अभी मेरा शो देख रही होंगी इस्लामाबाद में. जी, ओके, मदर इन लॉ, थैंक यू, हम सबसे ये टिप शेयर किया आपकी बहू ने. मैं एक्चुअली घर की पहली बहू. अच्छा जी, तो मुझे पूरी कुकिंग उन्हें नहीं सिखाई, इवन यहाँ तक कि टोमेटोज कितने ऐड करने हैं, कितनी देर भूनना है, सारा सब कुछ. वैसे आपको आता भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल, पढ़ते हुए ही शादी हो गई थी. तो मेरी मदर ने जो है कहा था, मेरी मदर इन लॉ को, कि इसको कुछ भी नहीं आता. अच्छा, तो आप लेके तो जा रही हैं. उन्होंने कहा मैं सब सिखा दूंगी, और उन्होंने सिखा दिया. एक्चुअली होना यही चाहिए. जी, जी, जी. कुछ नहीं आए ताकि सास की रेसिपी सीख. सीरियसली, हाँ, हर फैमिली का अपना स्टाइल होता है ना, तो वो सीख ले. कोई इशू ही ना हो, सीखे सिखाए आएंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. देखो हमारे यहाँ तो ऐसे बनता था और वो सास ऐसे बताती है. एक्चुअली मैंने कॉन्टिनेंटल और बेकिंग सीखी थी. अच्छा, शादी से पहले? अच्छा, जी जी. बट स्टिल जो हमारे ये रिवायती खाने होते हैं, जी, ये बिल्कुल, इवन के जो बटर है ये घर का है. अच्छा, और ये मेरी मदर ने ही मुझे बनाना सिखाया कैसे मक्खन निकाला. कैसे मक्खन निकाला जाता है. अच्छा, ट्रेन कर दिया माशाल्लाह. बहुत अच्छी. ठीक है, ये अब हमने इसमें साग ऐड कर दिया किरण. जी. अच्छा, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? जैसे आपने चिकन लिया है, हाफ के जी है. हाफ के जी. जी, तो ये सारे जो पत्ते आपने लिए? जी जी जी. वो ये कितना? देखिए किरण, ऑलमोस्ट एक एक बंच जब हम लेंगे तो वो साफ होने के बाद थोड़ा सा हो जाता है. जी, आपको पता है ना, और कम हो जाता है. तो वो इट्स अप टू यू. आप समटाइम्स फैमिलीज में ऐसा होता है कि वो साग ज़्यादा लाइक कर रहे होते हैं, तो आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए. जी, वैसे ये आइडियल है. लग तो मज़े कर रहा है, इंशाल्लाह अच्छा होगा. क्योंकि जब हम अल्लाह का नाम पढ़ के किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह वो अच्छी होती है. वाइब्रेशन ही इतनी पावरफुल डाल देते हैं ना हम बिस्मिल्लाह जब पढ़ते हैं. बिल्कुल. ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अब हम अपनी रेसिपी. जी बिल्कुल, स्टार्ट करें. क्या बना रही है ये? पेपर रोश, अफगानी डिश है. ठीक जी,
सही है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। जो भी खाए कहता जाए, ला दीदी कैस प्यार बढ़ाए, ला दीदी कैस, ला दीदी कैस, ला दीदी कैस, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, खुशामदीद। बहुत मजे की खुशबू आ रही है और सोचे अभी तो मक्खन नहीं डाला है तो वो तो और अलग से एक खुशबू देगा। अच्छा, हमने ये जो साग डाल दिए थे पांच किस्म के, इसका पानी आपने निचोड़ के, ये पानी अलग है, ये भी इस्तेमाल करें? बिल्कुल, पहले इसको फ्राई करके, अब ये ग्रीन चिलीज हैं ये मैं ऐड करूंगी सबसे पहले इसमें। जी साइमा, बहुत ही मेहनती मैं बोलूंगी कि आप हैं। थैंक यू सो मच। एक महीना पहले एग्जाम्स हुए, मैं इनसे पूछी थी ये पढ़ाई का टाइम मिल जाता है? हम लोग नॉर्मली जब पढ़ाई करते हैं, जब कोई काम और जिम्मेदारी नहीं होती तो इतनी टेंशन लेते थे, अब आफ्टर बीइंग अ हाउसवाइफ एग्जैक्टली, फिर घर भी देखना, फैमिली को भी देखना, खाने भी पकाना और फिर पढ़ाई करना, तो ये बहुत मुश्किल नहीं होता? मज़ा आता है, मज़ा आता है। देखिए लाइफ में जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा ना अचीव करने के लिए, तो फिर आप में स्ट्रगल करने के लिए कुछ होगा नहीं। बिल्कुल, तो जब तक एक टारगेट रखना चाहिए, मैं हर वेमेन को कहूँगी कि एक टारगेट रखना चाहिए। जी, मैं जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को अगर मैं सुनती हूँ ना जी, तो उसमें हमेशा ये बात फोकस होता जी, है कि सेट गोल्स, गोल्स सेट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली, अपना एक अचीवमेंट का एहसास। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ गोल्स नहीं होते, गोल्स नहीं है, एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं भी, वो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को, स्टडीज़ को एक तरफ रख के बैठ गई हैं। और अब हमें अगर अपनी यूथ को, अपनी नई जनरेशन को आगे लाना है तो वुमेन्स को कुछ करना होगा। बिल्कुल, माएँ ही, माएँ हैं जो करेंगी ठीक से। ऐसा ही तरबियत हुई जो आप बता रही थी कि जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह, ये गैजेट्स वगैरह से आपने अपने बच्चों को दूर रखा। एग्जैक्टली, सिर्फ काम की हद तक। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्ट्रिक्टनेस, ये माहौल एक माँ बाप ही क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही पॉसिबल है। जी 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 किरण, अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा कवर करूँगी, ऑलमोस्ट चिकन टेंडर हो गया है, सही है। और ये भी रेडी है, अब बहुत स्लो जी इंशाल्लाह, इसको स्लो फ्लेम पे मैं थोड़ा सा कवर इसलिए करूँगी कि ये जो ऑयल हमने डाला है वो ऊपर आ जाए। जी, और फिर एंड में आप मक्खन डाल। जी बिल्कुल, सही है जी। अब आ जाते हैं दूसरी रेसिपी। जी, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। बिल्कुल कर दे भाई, गर्म तो नहीं होती, मैं इसको गर्म करके ये चला देती हूँ हल्की आंच पे। जी हल्के, जी जी थोड़ा सा, ठीक ये ले जी, अब पक्का रहेगा जी। अच्छा, अब मुझे बताएं ये वाली अब किरण। जी जी, अब मुझे एक और पैन चाहिए होगा, ऐसा ही खुला ये ले लें जी, कोई भी हो जी जी, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है वैसे तो आप लेक्चर शेक्चर देती हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह, एनवायरनमेंट आप लोगों का बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप खाने पे लेक्चर दे सकती हैं। बस ऐसा है कि थोड़ा सा हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए ना थोड़ी सी, कि बच्चों को कैसे लेके चलना है। और क्योंकि अगर ये चीज़ें हम नहीं लेकर चलेंगे किरण, तो फिर हमारी स्टडीज सब बेकार है। बिल्कुल, हम तमीज़ तो सिखा देते हैं लेकिन सोच पर हमारा काम नहीं होता। एग्जैक्टली, बच्चों को सोच कैसी देनी है। बिल्कुल, और ये इसी एज से अगर हम देंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिवली डेवलप होगी। अच्छा किरण, इसमें ये मैंने और इसमें कुछ भी नहीं किया, ये 1 kg मीट लिया मैंने। जी जी, ये स्पेशली अफगानी डिश है। अच्छा जी, ये बहुत यमी होती है और क्वेटा में बहुत शौक से खाई जाती है। अगेन नहीं, अच्छा ठीक ठीक, ये क्वेटा के साइड, क्वेटा वो इस तरह के, मेरी मदर इन लॉ जो है वो क्वेटा से हैं। अच्छा, और मैं क्वेटा गई थी 2 साल पहले। अच्छा, तो वहाँ से सीख के आई थी ये रेसिपी। अच्छा, जी जी, तो अच्छा, इसमें मैंने 1 kg मीट लिया है। जी जी, नॉर्मल क्या किस तरह का मीट है ये, चर्बी के साथ? जी जी, बहुत थोड़ी सी इसमें जो जिसको रिवाज कहते हैं। अच्छा जी जी, वो फैट आप साथ में हल्का सा ले लें। हाँ। और अदरवाइज आप अगर चाहें तो हड्डी वाला मीट भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा जी जी, तो वो हमने 1 kg मीट लिया। हाँ।
और उसे हमने सिंपल मैंने क्या किया क्योंकि ये बेसिकली किरण बनता है 4 घंटे में. अच्छा जी, बहुत स्लो फ्लेम पे. जी बिल्कुल. तो अब मैंने ऐसा किया कि सिर्फ गोश्त को थोड़ा सा पानी डाल के और अदरक लहसुन और नमक उसके साथ बॉईल कर लिया. अच्छा जी जी. अब ये कि गोश्त प्रॉपर इसमें बहुत घुला हुआ गोश्त होता है. ठीक है, क्योंकि मैं वो ही देख रही हूँ, इतनी बोटी है जी. लेकिन ये आप ऐसे इसको फोर्क से चेक करें, बहुत सॉफ्ट है. इवन जी जी बिल्कुल 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 मोटे 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 पीसेस. ये इवन के मैंने काफ़ी बड़े लिए थे, श्रिंक होके थोड़े छोटे हो जाते हैं जी. अब इसमें ऑयल बहुत कम जाता है. ठीक है जी, ये लीजिए थोड़ा सा ऑयल में. जी जी ये नाल की. जी जी किसकी कॉल है? इकरा. इकरा अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इकरा कैसी हैं आप? ओहो टीवी चल रहा है, टीवी को बंद कर दो. हाँ वो क्योंकि बहुत फिर चलो जी निकल गई वो टीवी बंद करने के लिए. अच्छा ये है, ये अभी हमें ऐसा गोश्त करने के लिए हम गोश्त वाले को क्या बोलेंगे कि आप बोटे चाहिए? जी मैं आपको बताती हूँ, ये रान का गोश्त होता है. जी जी रान का गोश्त, और उसमें से आप उसे कह दीजिए कि जैसे मैंने 1 kg था तो उसमें बड़े बड़े पीसेस थे चौकोर. जी जी. और उसको बोलें कि चर्बी? जी जी थोड़ा सा रिवाज वाली जो चर्बी वो सॉफ्ट होके घुल जाती है. जी अब ये मैंने इसमें ऐड की और इसको आपने कितनी देर उबाला था? ऑलमोस्ट 3 to 4 hours. जी ये मटन होता है बीफ होता है? इट्स अप टू यू. बीफ भी खाया जाता है, मटन भी खाया जाता है. जी जो आपको पसंद हो. बीफ को गलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. एग्जैक्टली. नहीं आप किरण ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको अगर डिनर के लिए बनाना है तो आप दोपहर में रख दीजिए. जी जी वो स्लो फ्लेम पे पूरी दोपहर पकता है. ठीक है जी. अब इसमें इस किरण इसकी एक क्वालिटी ये होती है कि इस गोश्त में ज़्यादा स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं जाते, इसमें सिर्फ अपना मीट का फ्लेवर होता है. आप पानी डालेंगी और अभी? नहीं बिल्कुल अभी? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ इसका स्टॉक भी इसलिए मैंने बचाया है कि मैं आपके सामने बता सकूं. जी जी जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप किरण? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी आपसे बात हो रही है. मैंने बहुत कोशिश के बावजूद आपसे फाइनली आई एम टॉकिंग टू यू. चलो माशाल्लाह से ऐसी आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती रहे. मामी सच्ची होती है. आज का क्वेश्चन क्या है? हाँ आज का सवाल ये कि दिन भर में आप कुछ अच्छा और पॉजिटिव सुनती हैं, देखती हैं, पढ़ती हैं? हाँ जी डेफिनेटली, बुक रीडिंग इज माय वेरी गुड हॉबी. मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. हाँ. और फिर अपना एनालिसिस करना एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा लगता है. फिर जो मिस्टेक्स होती हैं उनको पूरा इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ. हाँ, चलो कुछ तो अच्छा जा रहा है. लेकिन रीडिंग आप कौन सी किस तरह की बुक्स पढ़ती हैं? मैं मोस्टली ना मतलब हमारी हिस्ट्री हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ती हूँ. क्योंकि ना हम अपनी ना हिस्ट्री को मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ों में ना हम भूले हुए हैं. हाँ. लेकिन अब इसको रिवाइव कर रहे हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे खालिद बिन वलीद है, तारिक बिन ज़ियाद है, हम ये बुक से ना ज्यादा रीडिंग कर रही हूँ. क्योंकि इससे ना हमारी अपनी इंटरनली बहुत सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है. बहुत ज्यादा हिस्ट्री बहुत जरूरी है भाई, और इन लोगों के कारनामे. और ये थे कि हम अपने इस्लाम से इन टच रहते हैं, इस तरह हमारी जनरेशन जो है वो उससे हमारी बहुत चीजें इन्वर्ट होती हैं उनके अंदर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. बिल्कुल. कम से कम उस टाइम पर आप ये पढ़ रही हैं, उस टाइम पर आप कोई और ऑल फॉल नहीं सोच रही हैं, कुछ और दूसरी चीजें. बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज द वेरी बिग पॉइंट. क्योंकि मोस्टली ऐसा था कि मतलब पास्ट टाइम में ना यंगस्टर्स होते हैं ना तो हम चीजों को भूले होते हैं, एंजॉयमेंट होती है, कुछ चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं. बट नाउ आई रियलाइज कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिंदगी में सब चीजों को बैलेंस वे में चलना चाहिए. जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्लाम इज अ बैलेंस्ड. तो जब इस चीज को हम रियलाइज कर लेते हैं, सोच लेते हैं, तो अपनी इर्द गिर्द के किरण बहुत से ऐसे वाकयात और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हम अपने आप को और अल्लाह ताला से हमारा एक कॉन्टेक्ट बनना शुरू हो जाता है. हमें फील होना शुरू होता है कि दिस इज अ रॉन्ग एंड वेयर इज रॉन्ग एंड वाई आर रॉन्ग. तो फिर बहुत चीजों को हम अपने अंदर ना चेंज लाना शुरू कर देते हैं. मुझे जो सबसे अच्छा अपने अंदर बिग फील हुआ है ना, वेरी गुड फील हुआ है, वो ये हुआ है कि मैंने जब से बुक्स रीडिंग स्टार्ट किया ना, मैंने अपने अंदर छोटी छोटी सी ऐसी मिस्टेक, ऐसी जो चीजें मैं फील करती थी, मैं फील ये कर रही थी कि मैं नहीं कर रही ऐसा, लेकिन अब मैं कर रही हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू फील इट कि ये मैं अपने अंदर ये चेंज ला रही हूँ. बहुत अच्छी बात है. और ये अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको ये अवेयरनेस दी है और आप उस पर काम कर रही हैं. बंडल ऑफ थैंक्स किरण, बंडल ऑफ थैंक्स. आप यकीन नहीं कर सकते, मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे अंदर ये जो
ताकि मैं अपने आने वाली जनरेशन जो है ना हमारे मेरे भतीजे भांजे मेरे बच्चे जो हैं उनके अब जो है ना मैं उनको जनरेट कर सकती हूँ. मेरे लिए दिस इज अ वेरी बिग गिफ्ट के मेरे लिए बहुत अच्छी और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ना इस स्टेज पे आके मैंने खुद को जल्दी रियलाइज कर लिया मैं अपनी चीजें जनरेट कर रही हूँ. इट्स नेवर टू लेट किसी के लिए भी इट्स नेवर टू लेट. थैंक यू सो मच. ठीक है थैंक यू जी. ओके अल्लाह हाफिज. वो फुल ऑफ एनर्जी वो बताना चाह रही हैं कि वो कितना उनको फ़ायदा हुआ और ज़िंदगी में कितना चेंज आता है जब आप कोई अच्छी चीज़ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेते हैं. बिल्कुल ऐसे ही कई लोग लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते कैरी ऑन नहीं करते इस्तेमाल नहीं करते. अच्छी बातें हर कोई सुनता तो है लेकिन लेके नहीं चलते. अब उसको पकड़ना आपके ऊपर है. exactly. अच्छा आपने क्या किया पहले तो किरण हमने सिर्फ वही पानी जो उसके अंदर था उसका सूप था थोड़ा सा चाहिए. उसे मैंने थोड़ा सा ड्राई किया ऑयल डाल के और सिर्फ ग्रीन चिलीज मोटी वाली. अच्छा ये बहुत सॉफ्ट सा माइल्ड सा फ्लेवर होता है इसमें एक्स्ट्रा कोई फ्लेवर नहीं जाएंगे. अब सिर्फ मैं क्या करूँगी इसके में एंड में मैं ऐड करूँगी ये लेमन स्लाइसेस किए हैं मैंने. अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग होता है. ठीक है एक तो रिफ्रेशिंग टेस्ट आएगा दूसरा ये डाइजेस्ट हो जाएगा क्योंकि ड्राई मीट है और इसमें ब्लैक पेपर जाएगा और जूलियन अदरक जाएगी. अच्छा आपने जिंजर वो गार्लिक तो नहीं डाला ना? नहीं गार्लिक मैंने जी बिल्कुल जिंजर गार्लिक मैंने शुरू में ही ऐड कर दिया. नमक और जिंजर गार्लिक जी एग्जैक्टली. बॉईल करते वक्त पानी भी आपने काफी डाला? नहीं कम पानी. कम पानी क्योंकि हम स्लो फ्लेम पे बनाएंगे जी अपने ही पानी. बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अभी ऑलमोस्ट डन है. अच्छा देखिए इसकी जो असल क्वालिटी है ना ये जो अब ये टूट रहा है ये मजा है इसका जी. ये रेशा जो निकलता है ये इसका इससे मालूम होता है कि ये रोश है बिल्कुल. ये हमारे यहाँ मकर ईद पे बनता है. अच्छा। और माशाल्लाह बहुत बड़े पतीले में बनता है. अच्छा। जी जी और कितना किलो जितना दिल चाहे आप डाले. 5-6 किलो तो जी जी बिल्कुल इवन के दावतों में भी बनता है. और ये रेसिपी भी मैंने स्पेशली सीखी भी है क्वेटा से और मेरी मामी भी मुझे ये सिखा. हाँ उनकी भी असल है कि गोश्त की सिलेक्शन है ना बिल्कुल बिल्कुल पीस और वो सब बिल्कुल ऐसे ही है जी बिल्कुल. अब किरण लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी ये लेमन. लेमन ठीक ठीक है. ब्रेक आ रही है? ब्रेक है मैं सही है या आके डाल नहीं डाल दें अगर कुछ डालना है. जी 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 जस्ट जी जी लेमन डाल दिए हैं हमने और ये ब्लैक पेपर ठीक है. ये ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून है. ठीक है और ये भी कुटावा है. जी जी बिल्कुल फ्रेशली होगा मज़े का जितने भी मीट लवर्स हैं ना उनके लिए ये जी. ठीक है जी एक ब्रेक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. आप लोग हमारे साथ ही रहिए. अपनी थर्ड रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे इसकी. बहुत मज़े का बना है. हालांकि कोई मसाला नहीं है. काली मिर्च कुटी हुई डाली हरी मिर्च डाली और नींबू के स्लाइस करके डाले. असल इसका मज़ा वही गोश्त है जो आपने धीमी आंच पे बनाया उसको गलाया और उसकी अपनी यखनी और थोड़ी सी जो चर्बी उसके साथ थी बहुत मज़ेदार फ्लेवर ज़बरदस्त. वो वाकई जिनको शौक है ना ये गोश्त खोर जो लोग हैं वो बहुत एंजॉय करेंगे. और ये जरा साग भी चेक कर लें. जी 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 किरण अब ये मैं जरूर टेस्ट करूंगी जब आप इसमें मक्खन डाल देंगे. जी जी बिल्कुल फाइनल बोलूंगी. ये अब साग इसमें चिकन है. जी 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 इसको रोटी के साथ ही आप जी बिल्कुल रोटी के साथ और अगर आप राइस के साथ खाना चाहें तो इसके साथ हमारी फैमिली में रेड किडनी बीन्स वाले राइस बनते हैं. अच्छा वो बहुत डिफरेंट राइस होते हैं बहुत हेल्दी अगेन. और जी 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 ये भी इतना हेल्दी फिर बीन्स जी और उस पर फिर मक्खन डाल के खाते हैं. जी जी मक्खन इसमें शक्ल भी आएगी. ये बटर ये भी घर का है. जी इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं है घर का फ्रेश. और ये भी सास ने बताया इनको बिल्कुल कि बिल्कुल कैसे निकालना है. बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सिखाया मुझे कुछ भी नहीं आता था. वेरी गुड ये सिखाना भी बड़ा पेशेंस का काम होता है है ना. और वो बोलती गई और मैं सीखती गई. जी जी बिल्कुल मैं हर किसी में ये टेम्परमेंट जी जी थैंक यू हर किसी में टेम्परमेंट नहीं होता सिखाने का भी
वो कहते हैं यार खुद ही कर लो, अभी क्या सिखाया। नहीं बिल्कुल, उन्होंने मुझे एक एक चीज सिखाई, और आज अगर मुझे कुछ आता है ना तो सिर्फ उनकी वजह से आता है। और शो देख रही है, खुश हो रही होंगी। कॉल छल हम मिला सकते हैं वैसे उनको, आप नंबर दीजिएगा अगर वो बात करना चाहे। जरूर जरूर जरूर। अच्छा अब हम आ जाते हैं मछली पर। जी जी, दो रेसिपीज हमारी हो गई, मैं इसको साइड पे कर लेती हूं। कॉल है क्या? हाँ कॉल दे दे। अच्छा आपको इसके लिए ये फ्राइंग पैन में दूं? जी थोड़ा बड़ा। हमने ये वाला जो है ना, जी जी ये चल जाएगा। अच्छा जी आज हम अपने शो वाउच है ना, वाउच 365 भी दे रहे हैं हम, और वाउच 365 की बहुत सारी सिटीज़ की बुक्स अवेलेबल हैं जो आप अपने अपने शहरों में रहकर ये डिस्काउंट कूपन्स अवेल कर सकते हैं। इस्लामाबाद, एबटाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, भावलपुर और हैदराबाद। और इनके हमारे जो थे वो मार्केटिंग डायरेक्टर भी आए थे वाउच 365 के शो पे पिछले हफ्ते, और काफ़ी डिटेल से हमने शेयर किए थे कि आप किस तरीके से एक तो परचेज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये इनके कूपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो आई थिंक इट्स वर्थ इट, और हमारे शो के ज़रिए आप जीत भी सकते हैं। अच्छा जी अब शुरू करें। बिल्कुल ये फ्रेश है, और बेटी को तो नहीं बुलाना, आप खास कह रही थी ना कि वो हैंडल करेगी। अच्छा, घर में भी मेरी हेल्प हुई करती है। उसको जरा माइक लगवा दें, क्या नाम है इनका? फातिमा। फातिमा को जरा माइक लगवा दें तो हम इनको भी फिर। जी जी। अच्छा ये मछली है जो आप लेकर आई? जी जी जी, कल ये कल फ्रेश। जी बिल्कुल वाइट। ठीक है White और जी जी, अब किरण इसमें दो तरह के स्पाइसेस डालेंगे। ठीक है जी, एक ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। हाँ। जो हम इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा। और देखें स्पेशली मैंने इसको कट्स लगवा दिए हैं फिश को। जी जी, ताकि दोनों तरफ जी, ताकि प्रॉपर इसमें जो है मसाला अंदर चला जाए। जी, अब इसके अंदर सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स लगाएंगे, वो रेसिपी कार्ड में मेंशन भी है, मैं बता भी देती हूँ। बेसिक जो हमारे घर के मसाले होते हैं जी, उसमें हमने नमक ले लिया, सॉल्ट ले लिया, रेड चिलीज ले ली, कोरिएंडर ले लिया। हाँ। जी, और जीरा, भुना कुटा जीरा ले लिया। ठीक है। जी, इन सबको हमने लाल मिर्चे, धनिया और जीरा जी, और नमक, और हल्दी थोड़ी सी, और इसके अलावा स्पेशली जो उसमें स्पेशल चीज जाएगी वो कसूरी मेथी। अच्छा जी, उससे वो भी उसी के बिल्कुल बिल्कुल ये आपने ये बनाया हुआ है जी, ये मसाला बिल्कुल मैंने बनाया हुआ है किरण। और एक जो बहुत चीज इसको दूसरी चीजों से डिफरेंट करती है वो ये है अजवाइन। इसमें ऑलमोस्ट जी जी बिल्कुल 2 टेबलस्पून जाएगी, लोग बहुत थोड़ी सी डालते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अच्छा आप ज्यादा डाल रहे हैं? 2 टेबलस्पून जी। तो वो इसी में डाला हुआ है? नहीं, ये अलग से डलेगी। ठीक है, आप देखिए। अच्छा, इस मसाले में है हल्दी, लाल मिर्चे, जी, धनिया, जीरा कुटा हुआ पिसा हुआ, बिल्कुल, और नमक। नमक और तो कुछ नहीं, बस ये बेसिक। और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ड्राई जी। अब ये हम इस पे करेंगे। फातिमा अच्छा ऐसे ही आ जाओ भाई, माइक बाद में लगा देंगे। जी जी, क्योंकि मैरिनेट यही करेंगे जी। ग्लव्स भी ले लीजिए। ग्लव्स हैं यहाँ? जी पर जी, ग्लव्स हैं यहाँ, मैं लाई थी। हाँ शर जी जरा ग्लव्स भी दे दे इनको, मैं कॉलर से बात जी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फातिमा? माशा, ये छोटी है बड़ी है? ये बहन है छोटी मेरी। छोटी बहन ये सही है। आ जाओ फातिमा, ये बड़ी है, आप ये वाला मसाला लगाए और माइक आपको लगा नहीं इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी आपसे, ये ले लो ग्लव्स जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। किरण मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ। अच्छा क्यों? नहीं नहीं नहीं, नाराजगी नेगेटिव वाइब्रेशन देती है, प्लीज पॉजिटिव। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं लास्ट ये ना ईद उल फितर के चौथे दिन मेरी आपसे कॉल मिली थी, और आपने ना मुझे ये जो पीछे बुक्स पढ़ी हुई है, फैसलाबाद वाली बुक मुझे गिफ्ट की थी और वह नहीं मिली, और अभी तक मुझे नहीं मिली। यकीन करें, आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर द बुक। बस चले इनका नाम लिखे और इनको हम ये फैसलाबाद वाली बुक देते हैं, पक्का पक्का। ठीक है जी किरण, देखे पक्का प्रॉमिस करना है, मेरे पास पहुंच जानी चाहिए जल्दी वो। पक्का पक्का, आपका नाम लिख दिया हो हमारे विनर की लिस्ट में। हाँ चले ठीक है, खुश डन हो गया, डन हो गया किरण। ठीक है, नाराजगी दूर। ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ जी, तो क्या ये फातिमा से मैरिनेट करने का क्या वो है कहानी?
कहानी ये है कि मैं और अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा आपको बताया था कि जब हमारे यहाँ ये बनती है तो साथ में दाल भी बनती है, ठीक है, और फिर ये होता है कि मैं दूसरी चीज़ बना रही होती हूँ, फातिमा मैरिनेट करके देती हैं। ये तो फिर एक्सपर्ट हो गई होगी फातिमा इसको मैरिनेट करने में। फातिमा को बनना कुछ और है लाइफ में, वो इन अच्छा वो कैमरा नहीं, माइक नहीं लगा हुआ। अच्छा फाइटर पायलट जी, यहाँ से सोच आई होगी कुछ डाला होगा है ना कि ऐसा कुछ करो हमारी डिस्कशन। अच्छा आज तक किरण मैंने अपने बच्चों को किसी ट्यूशन में नहीं भेजा, अब ये जाके लास्ट में आई हैं। टीचर मौजूद है घर में तो फिर बाहर भेजने की क्या जरूरत है। अब लास्ट टाइम मेरे एग्जाम्स हो रहे थे तो मैंने नहीं भेजा कोचिंग, अदरवाइज अभी तक ये भी और छोटी भी घर में पढ़ाते हैं और साथ साथ हमारी डिस्कशन बहुत हो रही होती है। ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ये सारा मसाला भर भर जी जी भर भर के और इसके स्लिट्स पे बिल्कुल अंदर अंदर अच्छे तरीके से ताकि अंदर तक मसाला जो है वो रच बस जाए। चले ठीक है। अच्छा जब तक मसाला लग रहा है हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे फिर जो इसकी दूसरी चीज है जी अंदर फिलिंग होगी शैलो फ्राई हम जी जी बिल्कुल ऐसे ठीक है तो वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी वेलकम बैक। हम लोग ये जरा यहाँ पे बैठे हुए, एक तो ये कि साइमा डिश तैयार कर रही है मछली को, जिस तरह से हम निकालेंगे आपने ये कैबलीव्स जी जी सैलेड लीव्स लिए, अनियन रिंग्स हैं, ये कैबेज है, ये पूरा बेड आप बिछा जी जी इसके ऊपर फिर जब मछली तैयार हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। और साग के बारे में मैं ज़रा बता दूं जो आपने ये पंज साग बनाया है मक्खन के साथ जो मैंने ये फ्लेवर चखा है ना ज़बरदस्त फ्लेवर है। अच्छा पालक से हटकर है जी, जो हम नॉर्मल पालक और मेथी बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा हटकर फ्लेवर है, नमकीन की साइड पर है जैसे आपने कहा वो तारामीरा जो पत्ते हैं वो नमकीन के, और बहुत अच्छी रेसिपी है। मतलब आप इसको आराम से सुकून से बनाएं घर में और इंजॉय करें, गोश्त भी मज़ेदार है और ये पंच साग भी बहुत मज़े का है। अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा फातिमा की तरफ जो कि बिजी है मछली को मैरिनेट कर रही है। पहले तो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स साइमा ने हमें बताया कि वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में एक तो सूखी मेथी और धनिया जीरा कुटा हुआ पिसा हुआ वो, नमक, लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, ये आपने सारे मसाले को जो ड्राई था अच्छे तरीके से उस पर लगा लिया मछली पे जी। मुश्का मछली हमने ली हुई है उसको कट्स दिए हुए हैं। अब अच्छा अब क्या करना है इसके अंदर जी जी ये एक स्पेशल ग्रीन चटनी बनती है। इसके अंदर आप अगेन इसको सिल पे ही आप पीसेंगे जी जी। इसमें हरा धनिया, पुदीना, गार्लिक के क्लोव्स जाएंगे जी, जीरा जाएगा, नमक, और जब ये थोड़ी सी पिस जाएगी तो फिर एक टोमेटो ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, हरी मिर्चें। अच्छा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, जीरा जी, और एक टमाटर, एक टमाटर, और ये सिल पर आप पीस। बिल्कुल बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना तो मज़ा नहीं आएगा जी। बिल्कुल देखिए आप किरण ये चंकी है, चंकी चंकी जी, मोटा मोटा ऐसे नजर आ रहा है जी जी। अब किरण हमने ये किया है कि ये फिश है और फिश को ये देखें हमने सेंटर से। फातिमा फातिमा को माइक लग गया ना, बताइए चलो एक्सप्लेन करो अच्छे से। सबसे पहले हमने फिश ली थी, उसके बाद हमने इसके ऊपर ड्राई जो हमारे पास इंग्रेडिएंट था उसको अप्लाई किया, देन फिर उसके बाद ये जो हमारे पास पेस्ट है तो इसको हमने फिश को कट लगे हुए थे उसके अंदर फिर हमने पूरी फिलिंग कर दी और अंदर पूरी फिलिंग कर दी और उसके बाद ऊपर अब थ्रेड लगा। अच्छा सही ताकि फिलिंग निकले। अच्छा सिर्फ अंदर फिलिंग की जी जी जी, ये ऊपर नहीं 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 बिल्कुल नहीं, उससे होगा ये कि इसमें हमें डबल फ्लेवर मिलता है। अच्छा। जब ऊपर से हम खाएंगे तो ये फ्राइड फिश वाला और उसके बाद स्टीम में ये चटनी स्टीम में पक जाती है और जब आप बाइट लेते हैं तो वो उसके साथ तोड़ के आते हैं जी। ये मेरी मदर की रेसिपी थी, मदर की रेसिपी अभी तक चल रही है जी। बिल्कुल याद रह जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है, माओ की यादें तो कभी भी खत्म नहीं होती। तो फातिमा ने भी बहुत कुछ सीखा है अपनी माँ से। हाँ यस वेरी गुड, लेकिन अच्छा है जो आपका एक सोच है आप उस पे कामयाब रहे। थैंक यू। बस मैं ये कहूँगी किरण के हर मदर को अपनी बेटी बेटा जो भी हो उन्हें बहुत एक पॉजिटिव थॉट्स देनी चाहिए और वो तब दे सकेंगी जब आप खुद पॉजिटिव रहेंगी। सही खुद अंदर से खुश रहेंगी, अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगी फिर आप अपने बच्चों को। बिल्कुल। अब देखिए फातिमा इसको फिल कर रही हैं। ठीक है
अच्छे से खूब भर भर जी जी खूब भर भर के ठीक है दूसरी वाली कर दी यस अच्छा मैं जब तक ये फ्राई पैन हाँ बिल्कुल ये कीजिए और दूसरा ये कि ये जो धागा धागा सा हम बांध रहे हैं ये धागा भी फ्राई हो जाता है तो निकालते किस वक्त है जी फ्राई एंड में जैसे धागा कबाब का हम निकालते हैं जी किरण ये ऑन कर दीजिएगा प्लीज जी हेलो कॉलर है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी ठीक बिल्कुल आप सुनाइए कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बहुत प्यारी हैप्पीएस्ट पर्सन माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग हो रही है ये जो गेस्ट आई हुई हैं इनको भी मैं जो है वो बहुत अच्छा अच्छी कुकिंग कर रही हैं थैंक यू और ये फिश तो बहुत ही अच्छी बना रही हैं आज ही ट्राई कर लूंगी ना हाय आज ही जी जी मछली है घर पे थम अप बनता है वेरी गुड भाई मछली किससे मंगवाएंगी अभी जी किरण मुझे किरण आपसे ये बुक है ये बहावलपुर की मुझे तो आज पता चला कि बहावलपुर की भी बुक है अरे वाह बहावलपुर की है जी जी ठीक है हम आपका नाम जरूर लिखते हैं ठीक है हाँ फिर एंजॉय कीजिएगा ठीक है खाने वाले ख्याल रखिएगा किरण और आप भी बहुत सारा ख्याल रखें गैर जरूरी बाहर ना जाइए आप घर में ही रहिए आजकल तो बाकी exactly. तो हर एक ने अपनी एहतियात खुद करनी है अपनी फैमिली की एहतियात करनी है सारे मेजर्स जो हैं वो टीवी पर हमें दिख रहे हैं थोड़ी सी हमें भी अकल है बिल्कुल और हाइजीन का बहुत ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ख्याल करें बिल्कुल बिल्कुल आप किरण ये जी जी ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए ठीक है तो इसमें मैं फिश को डालूंगी देखेंगे बड़ा पैन लिया है किरण मैंने और जी जी और शैलो फ्राई करेंगे हम जी पहले एक साइड से और जी फिर बिल्कुल दूसरी साइड से ऐसे ही है हो गया जी डन है आ जाओ किफाया कुकिंग ऑयल हमने इस्तेमाल किया है लाइट ऑयल है और इससे जो भी आप बनाएंगे पकाएंगे इस किफाया कुकिंग ऑयल में अच्छे से जल्दी से हजम हो जाएगा क्योंकि इट्स वेरी लाइट ऑयल एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर आएंगे और अपनी लास्ट जो ड्रिंक है जी वो साइमा हमें सिखाएंगे जी जो इतनी कोई अच्छी खुशबू आ रही है ना क्योंकि वो मछली हो रही है शैलो फ्राई और उसमें जो मसाला लगा हुआ है वो भी हल्का हल्का जो फ्राई हो रहा है तो उसकी भी एक खुशबू आ रही है और बहुत क्रिस्पी बनेगी ये ऊपर से इसका क्रस्ट क्रिस्पी होगा एक तो स्किन के साथ है जी। और अंदर से मसाला आए हाय 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 परफेक्ट सैटरडे जी ये तो एक मछली जाएगी एक मछली खाई जाएगी एक जाएगी एक खाई जाएगी मज़ेदार है अच्छा जब तक फ्राई हो रही है हम आ जाते हैं अपनी लास्ट ड्रिंक पे ये ड्रिंक जो है ये प्लम स्लश है आज अच्छा। हमारे पास जी और इसमें किरण मैंने ये किया है जी ड्राई प्लम्स लिए हैं और इमली लिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल ड्राई आलू बुखारे लिए और इसमें मैंने इमली ऐड की है जी और इसको रात भर या चार घंटे के लिए आप सोक कर दें जी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए इक्वल क्वांटिटी यस हाफ हाफ मैंने कप लिया है दोनों जी और उसके बाद मैंने ये किया है कि इसको मैंने कुक कर लिया है अच्छा जी उसकी एक रीज़न होती है समटाइम्स हम जब इमली की कोई चीज़ खाते हैं या आलू बुखारे तो हमारा गला ख़राब हो जाता है अच्छा मगर इससे जब ये कुक हो जाएगा तो नहीं होगा अच्छा ठीक है एक साथ जी खट्टा बिल्कुल कुछ डाला बिल्कुल, कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसको हम कर लेते हैं अच्छा इसमें हम शुगर के बजाय इस्तेमाल करेंगे सुक्राल हमारे पास है जी और ये है ज़ीरो कैलोरी सेफ एंड टेस्टी शुगर सब्स्टिट्यूट है हमारे पास इसका ड्रॉप भी है एक ड्रॉप 1 teaspoon के करीब होता है तो अब ये आपके ऊपर है चॉइस साइमा के हमने ये ड्रॉप इस्तेमाल करना है या हमारे पास ये सुक्राल का जी इसमें ऑलमोस्ट 2 tablespoon मैं डालूंगी ठीक है हाँ फातिमा क्या हुआ दादू की कॉल नहीं मिली आ जाओ नहीं आप ना कॉल करो हमें नंबर दे देना नंबर दे दें दादू का और रिजवान अभी आएगा ना अभी फिर ब्रेक आएगी ना जी, अगर जी. हुआ तो हम खुद कॉल करेंगे बेचारी वरना दादू थक जाएंगे कॉल करते करते अच्छा ये हमने इसमें ऐड कर दिया ठीक है और इसके बाद अब थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी अच्छा. और फिर आइस क्यूब्स ठीक है और ये अच्छी सी ड्रिंक है जी ये समर्स के लिए बहुत आइडियल है और आगे रमज़ान आ रहा है तो ये
मैं अक्सर ये लाहौर में बहुत देखती हूं। जी 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 बिल्कुल, ठेलों पे बिल्कुल, और इस तरह से बाजार बहुत ज्यादा मिलते हैं। जी जी जी, हाय हाय, मेरा टॉप गिर गया। बट ये जो मछली की शक्ल आ रही है ना, ओए होए नहीं, इसकी इसकी सीरत और सूरत दोनों अच्छी है, दोनों अच्छी है। और ये जायके में भी जबरदस्त होगी, क्रिस्पी है ऊपर से और हल्की आंच पे ही। जी जी बिल्कुल, अब ये डन है। अच्छा जी जी, ये डन है, इसको हम प्लेटर में निकाल लेंगे। ठीक है जी, इसको ब्लेंड करते हैं। सुखराल से हमने ड्रिंक भी बनाई, सेफ एंड हेल्दी। एक ब्रेक आखिरी और फिर हम वापस आते हैं। ग्रीन मसाला फ्राइड फिश, अज्जा मछली 2-3 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद, हरे मसाले के लिए अज्जा, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, टमाटर 1 अदद, नमक 1 चुटकी, जीरा 1 खाने का चमचा, लहसुन 2-3 चफे, तेल हसबे ज़रूरत। तरकीब, पहले फ़िश पर 1 अदद लीमू का रस लगाएं, फिर इन पर तमाम खुश्क मसाले लगाकर आधा घंटा मैरिनेट कर लें। अब फिश को दरमियान से खोलकर इनमें हरे मसाले के तमाम अज्जा भरें और धागा लपेट लें। उसके बाद फ़िश बड़े फ्राइंग पैन में तेल में शैलो फ्राई कर लें। सुनहरा रंग आने पर सलाद के साथ सर्व करें। पंज साग, अज्जा तारा मीरा साग 1 गट्ठी, पालक 1 गट्ठी, मेथी 1 गट्ठी, सरसों का साग 1 गट्ठी, चौलाई का साग 1 गट्ठी, चिकन आधा किलो, टमाटर 2 अदद, ताज़ा कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 खाने का चमचा, हल्दी आधा खाने का चमचा, इसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, प्याज 1 अदद, तेल आधा कप। तरकीब, तेल में 1 अदद दरमियानी प्याज, चिकन और लहसुन डालकर गोल्डन कर लें। अब इसमें टमाटर और बाकी खुश अज्जा शामिल करके भूनें, जिसमें उबला हुआ साग डाल के दम पर रख दें। आखिर में इसे अच्छी तरह भूनें और मक्खन डालकर पेश करें। अफ़गानी पेपर रोश, अज्जा बकरे का गोश्त 1 किलो, नमक 1.5 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, ताज़ा कटा अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 5-6 अदद, लीमू 2 अदद, जुलियन अदरक हसबे ज़ायका, तेल 1/4 कप। तरकीब, गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों में तकरीबन 2 गिलास पानी डालें, फिर नमक अदरक लहसुन और थोड़ा सा तेल डालकर गोश्त को गला लें। गोश्त गल जाए और 1/4 कप यखनी रह जाए तो उसमें बारीक कटी हरी मिर्च शामिल करके दम पर लगाएं। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो गोश्त अच्छी तरह भून लें। आखिर में ताज़ा पिसी काले मिर्च डालकर मिक्स कर लें। ऊपर लीमू का स्लाइस और अदरक डालकर सर्व करें। प्लम स्लश, अज्जा इमली आधा कप, आलू बुखारे आधा कप, चीनी आधा कप, काला नमक आधा खाने का चमचा, बर्फ़ हसबे ज़रूरत। तरकीब, एक बोल में 4 घंटे के लिए इमली और खुश्क आलू बुखारों को भिगो लें। अब इनकी गुठलियाँ निकाल दें, फिर इनमें चीनी शामिल करके पकाएं। उसके बाद ठंडा करके ब्लेंडर में डाल दें। अब इसमें काला नमक, पानी और बर्फ़ डालकर ग्राइंड कर लें और ठंडा सर्व करें। प्लम स्लश, अज्जा इमली आधा कप, आलू बुखारे आधा कप, चीनी आधा कप, काला नमक आधा खाने का चमचा, बर्फ हसबे ज़रूरत। वाह का आ गया, वहाँ से वकार टेस्ट कर रहे हैं। ये जो ड्रिंक बनाई है ज़बरदस्त सी, इमली और आलू बुखारे को मिक्स करके उसको पहले आपने कुक किया, ये एक टिप थी ताकि वो आपका गला ख़राब ना करे, और उसको डाइल्यूट करने के लिए आपने बर्फ़ भी डाली, उसको ब्लेंड किया। काला नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने शुगर की जगह सुकराल का इस्तेमाल किया। अब वो आपके ऊपर है, इट्स हेल्दी एंड सेफ विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। अगर शुगर
के पेशेंट भी सुक्राल इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से. और मछली बहुत मज़े की है. आपको तो नज़र नहीं आ रही होगी मैंने टेस्ट कहाँ से कि हमने उसको उल्टा करके रख दिया, लेकिन मैंने ज़रूर उसे टेस्ट किया. मैंने ट्राई करना था ये जो ड्राई मसाला लगाया था और अजवाइन भी थी. जी जी अजवाइन और दो अजवाइन आपने कहा ज़्यादा लगाना, दो टेबल बिल्कुल ऐसे ही. बाकी वो ड्राई मसाला था जो इन्ग्रीडियंट्स में आ रहा था. सारी चीज़ें बहुत मज़े की हैं. थैंक यू. तो ये कि आज का शो आई एम श्योर हमारे लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. सबसे पहले तो मैं विनर्स के नाम अनाउंस करती चलूँ. हमने कॉल अगर मिल गई हो इनके घर पे तो ज़रा बता दीजिएगा. ट्राई कर रहे हैं दादो की कॉल जी, वरना हाँ. कोई बात नहीं, उनका जिक्र तो हमने किया जी, और जी. शुक्रिया भी हमने किया. हाँ जी, वाउच 365 फैसलाबाद की बुक गई सादिया को. और जो भावलपुर से हमारी कॉलर थी जिनको पता ही नहीं था कि वाउच 365 वहाँ भी इस्तेमाल होती है, मिसेस सलाउद्दीन, आपको ये भावलपुर की वाउच 365 बहुत बहुत मुबारक हो. और हमारी जो गेस्ट हैं साइमा एनिक्स का गिफ्ट आपके साथ जाएगा. थैंक यू सो मच. और हमारी याद आपको दिलाएगा. जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे, ज़रूर कोई अच्छा सा मैसेज आपके पास होगा. फातिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारा जायका तो आपने डाल दिया है इसमें अपने हाथों का, अपनी वाइब्रेशन का मछली में. और इंशाल्लाह आपने जो सोचा है, जो आपका ख्वाब है, वो आप ज़रूर पूरा करो आगे चलकर इंशाल्लाह. सबकी दुआएं भाई, आप लोग दुआ ज़रूर कीजिएगा. और जी जाते जाते क्या कहेंगी? बस मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिव, जैसे किरण कहती हैं, बहुत पॉजिटिव सोचिए. और न सिर्फ सोचिए बल्कि उस पर अमल भी करना है. अमल भी जी. और इसका स्टार्ट सबसे पहले ख़ुद अपनी ज़ात से लेना है और उसके बाद फिर अपनी फैमिली, अपने बच्चों में ये पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो हमने ऐड करनी है. बिल्कुल जी, ये पॉजिटिविटी ऐसे फैलती है जैसे आजकल ये वायरस फैल रहा जी, है जी. सिर्फ आपने पॉजिटिव रहना है तो वो वाइब्रेशन पूरे घर पे फैलेगी. ठीक है जी, नहीं मिली मिल सकी कॉल और क्योंकि वक्त भी हमारे पास नहीं था. अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. रात में हमारा शो रिपीट होगा 9 बजे, ज़रूर देख लीजिएगा. कल नए मेहमान नई रेसिपीज़ के साथ होगा और कल हम इसी पर बात करेंगे कि क्या आप दिन भर में कुछ पॉजिटिव सुनते देखते पढ़ते हैं या नहीं. तो हमें दीजिए इजाज़त. थैंक यू सो मच. और अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए और सिर्फ अच्छा सोचते रहिए. खुदा. घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार.